We'll continue with the transfer RNA and we will briefly discuss the function of the transfer RNA in this module. In the last module, हमने detail में उसका structure देख लिया था कि उसमें anticodon arm है, एक DRM है, एक जो है ना TCI arm है, तो और उनके different functions हमने define किए थे. इसमें हम briefly, इसमें हमने हम उसका थोड़ा सा function detail में इस module में हम देखेंगे कि कैसा ट्रांसफर आरएनए किस तरह एक एक मॉलिक्यूल को या एक एक जो है वो अमीनो एसिड को लाके राइबोसोम को देता जाता है और उसके साथ एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है. हमने लास्ट फ्यू मॉड्यूल में पढ़ा था कि जो है राइबोसोम्स के दो यूनिट्स हैं, ये एक लार्ज यूनिट पड़ा हुआ है और ये स्मॉल सब यूनिट पड़ा हुआ है. अब इसके अंदर दो साइट्स अगर हम डिफाइन करते हैं, एक साइट पी साइट है जहाँ पे जो है प्रोटीन सेंथेसिस हो रहा है या पेप्टाइड साइट भी हम इसको बोलते हैं, और ये ए साइट है जहाँ पे आके अमीनो एसिड लगता है. और अमीनो एसिड किस क्या चीज लेके आ रही है, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा है. अब यहाँ पे हमने कहा था कि ये राइबोसोम के अंदर क्या आया, आगे लगा ये मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए कहाँ से आया, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब हुआ किस जगह से, फ्रॉम दी डीएनए. और डीएनए कहाँ पे पड़ा हुआ था, डीएनए पड़ा हुआ था न्यूक्लियस के अंदर. तो न्यूक्लियस से डीएनए से ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए बना फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रेन, जिसको हमने डिटेल में कोडिंग नॉन कोडिंग और टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट स्ट्रेन पढ़ चुके हैं. अब ये मैसेंजर आरएनए साइटोसोल में आके यहाँ पे इसके अंदर इस राइबोसोम के अंदर एंटर हो गया और इसके ऊपर हमने कहा था तीन तीन कोडॉन का अगर पेयर बनाया तो ये इसको हम कोडॉन बोलते हैं. अब इसके ऊपर यहाँ ट्रांसलेशन शुरू हो गई कि अब आके जो है ट्रांसफर आरएनए ने एक एक मॉलिक्यूल इसको एक एक अमीनो एसिड का यूनिट देता जाना है और उसने पेप्टाइड चेन बनाते जाना है. वो किस तरह देगा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस इज अगेन द पी एंड टी साइड. यहाँ अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ होगी इस जगह पे, ये कोडॉन्स हैं और यहाँ एंटी कोडॉन्स होंगे. तो यहाँ इनिशिएट कर रहा है, ये किधर से आया, एक ट्रांसफर आरएनए आ गया, इसको हम 1T RNA बोल देंगे और इसके साथ एक अमीनो एसिड जो एक पर्टिकुलर हमने उसको डायग्राम दे दिया है कि ये एक जो है ना चौरस शक्ल का एक जो है वो अमीनो एसिड आ गया, इसको AA1 हमने बोल दिया जो ग्रीन उसमें है. अब ये ट्रांसफर RNA आके इसके कोडॉन एंटी कोडॉन जो ट्रांसफर RNA पे है वो कोडॉन के साथ उसने वो बना दिए, बॉन्ड्स बना दिए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी और ये अमीनो एसिड इसके ऊपर ये आके जो है पेप्टाइड एरिया में या पी साइट पे लग गया. उसके बाद क्या हुआ, एक अगला ट्रांसफर आरएनए आया और हमने कहा है कि डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए के लिए हर ट्रांसफर आरएनए का अपना एक स्पेसिफिक है स्ट्रक्चर है जो उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए डिजाइन है. ये CCA आर्म हमने बोला था, इसके ऊपर आगे एक और अमीनो एसिड लगा हुआ है. ये ट्रांसफर आरएनए आके ये ए साइड जो अमीनो एसिड साइड कहलाती है इसके ऊपर लगेगा, ये यहाँ आके अटैच हो गया. ये अपने ये वही वाला ट्रांसफर आरएनए आया जिसने इस कोडॉन के साथ मैच कर रहा है जिसका एंटी कोडॉन, और इसके ऊपर एक और शक्ल का एक और अमीनो एसिड लगा हुआ है और इसने अल्टीमेटली यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया. उसके बाद इस चेन ने एलोंगेट करना है और ये यहाँ पे एक तीसरा ट्रांसफर आरएनए आ गया. ये ट्रांसफर आरएनए फिर उसी तरह का है विच इज मैचिंग विद दी ट्रांसफर आरएनए हैविंग दिस एंटी कोडॉन विच इज मैचिंग और कॉम्प्लीमेंट्री विद दी कोडॉन ऑफ द मैसेंजर आरएनए. देन इट अटैचेस विद दिस मैसेंजर आरएनए कोडॉन और अल्टीमेटली क्या हुआ कि दिस नंबर वन ट्रांसफर आरएनए जो है इट लीव्स हियर एंड इट इज इट कॉजेस एग्जिट और इसका यहाँ से एग्जिट हो गया इस ट्रांसफर आरएनए का. और यहाँ पे दो अमीनो एसिड जो है वो लगे रह गए एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड ये दिस मैसेंजर आरएनए जो है वो वहाँ पड़ा हुआ है एंड द राइबोसोम मूव्स ओवर वन कोडॉन जो है वो इस साइड पे राइट साइड पे वन कोडॉन राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे मूव कर गया. देन अ थर्ड transfer RNA is coming here with a specific type of anticodon which is matching or complementary with this codon of the messenger RNA having a third type of amino acid which is denoted here as AA3.
and it is, we can see here, it is having a particular shape or a particular type of amino acid, which is again attached to the CCAR. Ultimately, this third amino acid with the third transfer RNA attaches here, and another peptide bond is formed, and the chain of this amino acid is extended or elongated up to three amino acids. Next is another fourth amino acid, which is having a particular shape or particular type of amino acid, having another transfer RNA, jisko humne fourth number transfer RNA kar diya, and this is again having the anticodon, which is similarly matching with the complementary with the codon of the messenger RNA. And we can see here that this messenger RNA is here and this ribosome is moving towards the right. Next, क्या होगा कि ये messenger RNA जो लेके आया था transfer RNA, उसने इस वाले को exit कर दिया, T2 को यहाँ से, transfer RNA 2 को, it leaves from this P site, and this fourth transfer RNA ultimately occupies this A site. A site को हमने बोला था कि ये amino acid site है, P site is the peptide site है, तो ये नेक्स्ट मूव करता जाएगा और उसके साथ साथ एक एक अमीनो एसिड लगता जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चेन जो है ये एलोंगेट होती जाएगी. सो देयर इज एन अदर फिफ्थ ट्रांसफर आरएनए हैविंग अ फिफ्थ अमीनो एसिड, ये फिर आगे इस जगह पे लगेगा और इस थर्ड ट्रांसफर आरएनए को आगे मूव करके ये इसको छोड़ लीव कर देगा, इसको एग्जिट हो जाएगा यहाँ से, और ये ट्रांसफर आरएनए इस fourth transfer RNA moves from this A site to this P site. Ye third transfer RNA yahan exit ho gaya, and the fourth transfer RNA A site pe aa gaya, and fifth transfer RNA jo hai ultimately yahan aake the peptide chain jo hai elongate hogi. So this process is occurring on and on, and ultimately say ke 200 amino acid is tarah jo hai wo jaake yahan pe lag gaye, और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, विच इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर. और फिर हमने एक ऐसा कोडॉन आ गया यहाँ पे, विच इज़ अ टर्मिनेशन कोडॉन और इज अ स्टॉप कोडॉन. इसका इसने इसका मकसद है कि ऐसा कोडॉन है कि इसके ऊपर कोई मैचिंग कोई जो है वो मैसेज ट्रांसफर आरएनए आके नहीं लगता. सो देयर इज टर्मिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर polypeptide chain, which is having around 200 amino acids. So this is the brief description of the function of the transfer RNA. So the end product kya hogi? The end products of the protein synthesis is a primary structure of a protein, ultimately a peptide chain ban gayi, use polypeptide chain ban gayi, or ultimately primary structure of protein jo humne kaha tha wo ban gaya. And the sequence of amino acid bonded together by the peptide bonds. यहाँ से ये हमने डिटेल में देख लिया है किस तरह amino acid 1, 2, 3, 4, 5, so and so forth up to 200 amino acids आके ये एक particular जो है ना polypeptide chain बन गई, which is the end product of the amino acid formation or the peptide formation, and ultimately polypeptide जो है इसी तरह polypeptide बनते रहते. So this is the brief description of the messenger RNA as well as ribosome, and the particularly the transfer RNA, and the in the formation of a peptide chain.